हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म। आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तो मैं 11 तक के क्वेश्चन को इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके हम चल रहे हैं और वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा करके मैंने कुछ पार्ट को सेकेंड पार्ट के लिए कर दिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन, और टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। वैसे आपको पता है कि मैग्नेटिज्म के मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला पर बेस्ड हैं, कैलकुलेशन पर बेस्ड है। बहुत ज़्यादा आपको उसमें कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए और कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव यह तो हो चुका था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था, आपको याद होगा, दक्षिण अफ्रीका में। हाँ, ये क्वेश्चन आपको करा दिया था दक्षिण अफ्रीका में, टेली भी कर लूँ अपने एनसीईआरटी बुक से। हाँ, यहाँ तक हो गया था। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिए ध्यान से, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.4 0.48 जूल पर टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। यदि यह बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक, मतलब निरक्षीय स्थिति पर। तो ये निरक्षीय स्थिति पर बेस्ट क्वेश्चन है। ये 60 बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन एक्सिस पोजिशन एंड इक्विटोरियल लाइन, दैट मीन्स नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला पर बेस्ड है। सबसे पहले हम इसके गिवन लिख लें कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स। गिव ए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। 100 डिवाइड करेंगे तो इसके बाद एक्सिस पोजीशन और दोनों पर आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सिस पोजीशन, ठीक है। आपको एक्सिस पोजीशन मतलब इंड आर्म पोजीशन, ब्रॉड साइड आर्म पोजीशन का फार्मूला पता है। एक्सिस पोजीशन का फिगर तो बताने का जरूरत नहीं है, वैसे एक बार सिंबॉलिक फिगर आपको बता दूं मैं। ये पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहले। इस तरह से ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ऐसा होता है, और ये इसका एक्सिस पोजीशन है। इसके एक्सिस पोजीशन पर यहाँ से आप डी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। एक्सिस पोजीशन पर पहले बोला है, ठीक है। तो फार्मूला होता है क्या इसके लिए, बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन डी क्यूब। क्वेश्चन में बोला है किसी छोटे छड़ चुंबक के लिए, तो शार्ट मैग्नेट के लिए फार्मूला यही होता है। तो शार्ट मैग्नेट का फार्मूला कुछ नहीं, बहुत आसान है, सीधा फार्मूला पर बेस्ड है। दैट इक्वल 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू वैल्यू ऑफ एम इज 0.48। इस तरह के क्वेश्चन में ओनली कैलकुलेशन करना है वन लाइन का और 0.1 का क्यूब। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर है, क्लियर। तो मैं तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर दूं, 10⁷ इंटू 2 इंटू 0.48, 0.1 का हो जाएगा 0.0001 का क्यूब, डिवाइड कर दिया ऊपर ले जाके 0.96 इंटू 10⁻⁴ 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ये हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके वैल्यू में
फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिया उसको आपको 100% करना है। कम से कम एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना चाहिए हर तरह की। तो ये इन डैन पोजिशन पर पहला क्वेश्चन आपने देखा है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ब्रांड साइड एंड इक्वेटोरियल पोजिशन, को हम ब्रांड साइड एंड पोजिशन भी कहते हैं, वो देख लें। यही साइड में सॉल्व कर दूं मैं इसके। बी बी पोजिशन इक्वेटोरियल पोजिशन क्या होता है, इस तरह से ये इसका एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल पोजिशन होता है, यहां पर हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये यहां पर डी डिस्टेंस होता है। तो इक्वेटोरियल पोजिशन में शार्ट मैग्नेट के लिए फार्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन डी क्यूब। कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को हाफ कर दो, उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये आंसर नंबर फर्स्ट है, इसमें हाफ कर दो क्योंकि वहां 2 नहीं होता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दैट इक्वल 10^-7 इंटू एम का वैल्यू कितना दिया है, एम का वैल्यू बुक में 0.48 ना, 0.48 अपॉन 0.1^3। कुछ साल वालों करने जरूरत नहीं, यहाँ पर 2 डिवाइड करो, 0.96 में 2 डिवाइड करता हूँ मैं, 0.96 डिवाइडेड बाई 2 0.48 इंटू 10^-4 टेस्ला, दिस इज आंसर। बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे भी हमको पता है कि शार्ट मैग्नेट के लिए इंड आर्म का जो पोजीशन होता है वो ब्रॉड साइड आर्म से 2 टाइम्स होता है, एक्सियल पोजीशन जो होता है इक्विटोरियल पोजीशन से 2 टाइम्स होता है। तो ये इसका 2 टाइम्स होता है, तो इसमें हाफ मल्टी डिवाइड कर देंगे, देखो 2 नहीं है यहाँ पर, तो उसका हाफ आ गया आंसर। तो बहुत आसान है ये, ओके। चलिए इसको मैं एक बार आपको एक साथ बता दूँ क्लोज करके। क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट इंड आर्म पोजीशन का, सेकंड पार्ट ब्रॉड साइड एंड पोजीशन का शार्ट मैग्नेट के लिए। आसान क्वेश्चन है बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देख के आप परेशान हो रहे होगे ना, लेकिन ऐसा नहीं, स्टेटमेंट बड़ा है बस। एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत से क्वेश्चन को एक साथ पूछ देता है तो लेंदी होता है। क्षैतिज तल में रखे एक छोटे छड़ चुंबक, यहाँ पर भी ध्यान रखना 60 बार मैग्नेट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है 60 बार मैग्नेट, क्योंकि कौन सा बार मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज करते हैं। चुंबक की उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है, संतुलन बिंदु चुंबक के अक्ष पर इसके केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 0.36 गास एवं नति कोण शून्य है। चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर इसके केंद्र से उतनी ही दूर 14 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलता है। ए 60 बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट का मैग्नेटिक अर्थ का जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें अलाइन हुआ है। नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस, ये ध्यान रखना कि नल पॉइंट कहाँ फाइंड होता है, वो अक्षीय स्थिति में होता है, ठीक है, चुंबक के अक्ष पर प्राप्त होता है। ये दोनों बात अंडरलाइन करता हूँ मैं। एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के सेंटर से 14 सेंटीमीटर पर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस, वहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.36 गास है। एट द एंगल ऑफ डीप इज जीरो, एंगल ऑफ डीप क्या है, जीरो है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट, उसके जो नॉर्मल बाइसेक्टर है उस पर एंड द सेम डिस्टेंस एट द नल पॉइंट दैट इज 14 सेंटीमीटर, उतने ही डिस्टेंस में, मतलब दो कैलकुलेशन करना है आपको, एक उसके एक्सिस पोजिशन पर, एक न्यूट्रल एक्सिस पर। मतलब यहाँ पर कैसा है क्वेश्चन देखो, पहले तो मैं गिवन लिख दूँ उसके बाद फिर मैं आपको एक बार समझाऊँ। देखो सबसे पहले आप लिख लिया करो गिवन डेटा, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या क्या दिया है, डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी ई लिख दिया, ई फॉर अर्थ, वो है 0.36 गास, दैट इक्वल 0.36 इंटू 10^-4 टेस्ला, गास को टेस्ला में चेंज कर दिया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सीजीएस में ही सॉल्व कर दें, क्या आंसर क्या दिया है इस बुक में,
कोई मतलब नहीं यूनिट चेंज करने का, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है, वो भी दिया है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको हम गास में ही रहने देते हैं। वैसे क्वेश्चन को तो वास्तव में एसआई यूनिट में ही बनाना चाहिए, लेकिन पूरा यदि पूरा वैल्यू सीजीएस में दिया है तो आप सीजीएस में आंसर दे सकते हैं। ये आपके एग्जाम में जैसे आया बोर्ड एग्जाम में, तो ये मार्क्स कटने का कोई मैटर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, आप दोनों में दे सकते हैं या फाइनल आंसर को चेंज कर सकते हैं लास्ट में। तो इतना गास है और डिस्टेंस है वो है 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो ये सपोज अर्थ है, तो अर्थ के ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यदि हम अपने मैग्नेट को इसके साथ इस तरह से अलाइन करें कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ हो, तो इस कंडीशन में एक बार एक्सिस पोजीशन पर हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है और इसके परपेंडिकुलर कर दें तो न्यूट्रल एक्सिस पर हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये न्यूट्रल पॉइंट है जो मैंने यहाँ डॉट लगाया है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो एक बार इसके एक्सिस पोजीशन में देखो, बोला है नल पॉइंट आर फाउंड ऑन एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, ये मैग्नेट के एक्सिस में फाउंड होता है। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि सेंटर ऑफ द मैग्नेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, दिस इज द नॉर्मल बाइसेक्टर। तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो आप समझ सकते हैं ये एक्सियल पोजिशन है या न्यूट्रल पोजिशन है, एक अक्षीय स्थिति है और एक क्या है निरक्षी स्थिति है। तो दोनों कंडीशन में हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चलिए आगे क्वेश्चन समझ में, डेटा बस दो का जरूरत है, बाकी हमको जरूरत नहीं, इससे सब कुछ निकल जाएगा। स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया, अब मैं बुक के डेटा से देख के आपको इसको समझा देता हूँ, बार बार उसको लाने में दिक्कत होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या क्या गिवन है, डी गिवन है, एच गिवन है, तो सबसे पहले क्या है एक्सियल पोजीशन पर, क्लियर, फर्स्ट एक्सियल पोजीशन पर या एक्सिस पोजीशन पर, तो इंटेंसिटी हमने बी सपोज किया, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4π 2m/d³। अभी हमने फार्मूला यूज किया है दैट इक्वल 10⁻⁷ और 2 m का वैल्यू कितना दिया, गास में दिया हुआ है ना, m का वैल्यू दिया दोनों का कंपैरिजन करना है, b का टोटल रिजल्टेंट निकालना है, तो वैल्यू को पुट अप करने के बजाय लास्ट में वैल्यू के साथ पुट अप करेंगे, छोड़ो क्योंकि हम वैल्यू अभी यहीं से पुट अप कर दें तो बार बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम इसको दे दिया रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया एक्सियल पोजिशन पर म्यू नॉट अपॉन 4π 2m/d³। स्टेटमेंट में क्षैतिज तल में रखे छोटे छड़ चुंबक कक्ष चुंबकीय उत्तरी दक्षिणी से संतुलन बिंदु चुंबक या इसके केंद्र इस स्थान पर पृथ्वी जितने एवं नीति पर चुंबक के अभिलंब संविभाजक पर इसके केंद्र उतनी दूरी पर स्थित किसी में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एवं नति शून्य है, क्षैतिज में रखे तल में चुंबकीय अक्ष होते संतुलन बिंदु चुंबक अक्ष पर, एक मिनट स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है ना, इंग्लिश में ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन,
हैज इट्स एक्सिस एलाइंग एलॉन्ग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नल पॉइंट आर फाउंड इन द एक्सिस पोजिशन सेंटीमीटर, द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज ओ। यहाँ पर एक स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये एच का वैल्यू है एक्चुअल में, ये एच का वैल्यू 0.36। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हिंदी में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है बात, ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल प्लेन ठीक है, 36 पर रखा हुआ है, और ये जो इसका वैल्यू है 0.36g, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, टोटल इंटेंसिटी नहीं, मैंने बी लिखा था, बी मतलब होता है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन यहाँ पर इसका ये हॉरिजेंटल इंटेंसिटी है, मतलब 36 घटक है उसका, तो एच का वैल्यू होगा, और वो बोलता है कि एक्सियल पोजिशन पर जो इंटेंसिटी है उसके इक्वल है, मतलब यहाँ पर हमने जो निकाला है वो उसके इक्वल है, ये जो रिलेशन फर्स्ट निकाला है बी वन, एक्चुअल में क्वेश्चन में बोलता है कि ये इसके इक्वल है एच के, ये हॉरिजेंटल इंटेंसिटी के इक्वल है, इसको दो रिलेशन नंबर फर्स्ट एक्सियल पोजिशन पर, और सेकंड पोजिशन पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा बात क्लियर नहीं समझ पाया था मैं, बी जो है मतलब अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वह उसके 36 घटक के बराबर है। इसके बाद दूसरा में बोलता है न्यूट्रल एक्सिस पर, न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है इक्वेटोरियल पोजिशन, तो वहां पर इंटेंसिटी को हम बी टू ले लें, तो बी टू इक्वल टू, तो सीधा हमको पता है बी वन अपान क्या होता है, टू होता है, बी टू इक्वल टू बी वन अपान टू होता है, क्योंकि हमको पता है कि शार्ट मैग्नेट के लिए एक्सिस पोजिशन पर इसका टू टाइम्स होता है एक्सियल का, भी बताया मैं आपको, तो यहाँ से देयर फॉर बी टू इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू एच है, एच बाई टू लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, यहाँ वैल्यूज पुटअप करने की जरूरत नहीं है। अब हमको इसको टोटल इंटेंसिटी निकालना है, तो उस पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी बी इक्वल टू हो जाएगा बी वन प्लस बी टू, मतलब बी वन क्या है उसका एक्सियल इंटेंसिटी है, और बी टू क्या है न्यूट्रल एक्सिस का उसका इंटेंसिटी है, तीव्रता है, तो दोनों का योग हो जाएगा और ये हो जाएगा एच, और प्लस ये है एच बाई टू, एच प्लस एच बाई टू, क्लियर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकालेंगे हम वो हो जाएगा, दोनों को सम कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 1 3H/2 दैट इक्वल 3 × एच का वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है एच का वैल्यू दिया है 0.36 upon 2, इसको सॉल्व करते हैं 3 × 0.36 upon 2 ये हो जाएगा 0.54। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत लेंदी है, पहले समझ में नहीं आ रहा है कि वो है क्या इंटेंसिटी ये, और गास में हमने सॉल्व किया है तो गास लिख दें। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, सबको पहले मैं कलेक्ट कर दूँ पूरा सॉल्यूशन को, है ना, फिर आपको एक बार मैं समझाता हूँ, इतना बड़ा तो स्टेटमेंट है इसका। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब अर्थ को किसी 60 बार मैग्नेट को अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं तो वहाँ पर जो उसकी इंटेंसिटी है वह अर्थ के इंटेंसिटी के इक्वल है, और अर्थ का इंटेंसिटी है 0.36 गास। तो हमने पहले एक्सियल पोजीशन पर निकाल लिया, एक्सियल पोजीशन पर निकालने के बाद ये निकाल लिया, एक्सियल पोजीशन पर वैल्यू पुटअप नहीं किया, फिर न्यूट्रल एक्सिस पर उसका हाफ होता है एच बाई टू हो गया, और रिजल्टेंट निकालने के दोनों का सम किया तो ये हो गया, ये इसका आंसर। तो सॉल्यूशन तो दो लाइन का है, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, स्टेटमेंट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोल क्या रहा है वो, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखो यदि प्रश्न, हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है आपके क्रिएटिविटी को बूस्टअप करने के लिए। कभी कभी हम एकेडमिक से बाहर हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसको हमको बूस्टअप करने की आवश्यकता होती है, और हम लेके आए हैं आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर्स 2021। यहाँ अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ये हमारे एजुकेटर्स हैं, और ये हमारे फॉर्म हैं गेम ट्रिक्स, गेम ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा, मैजिक, आपके अंदर कोई मैजिक एक्टिविटी है वो आपको सिखाया जाएगा, डूडलिंग, पोएट्री के लिए, कोडिंग के लिए, एक्सेल के लिए,
और रोबोट मेकिंग के लिए, साथ ही ऐप क्रिएशन के लिए। आप इसमें से किसी भी पैटर्न पर आप जाके अपनी क्रिएटिविटी को और बूस्टअप कर सकते हैं। और ये हमारा होने वाला है फ्री सेशन 31 जनवरी को 9 AM। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने एकेडमिक नॉलेज से ऊपर आपके अंदर की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करिए। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, थैंक यू। 5.13 में वर्णित चुंबक को, ये लफड़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, उससे रिलेटेड है, तो उस रिजल्ट को लेकर आगे काम करेंगे। इस क्वेश्चन में बोलता है कि यदि उसको 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो संतुलन बिंदुओं की नई स्थिति क्या होगी। मतलब अभी जो मैं फिगर बनाया था उस मैग्नेट को लेके क्या करें हम, 180 डिग्री से घुमा दें। 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ साउथ चल जाएगा, साउथ की तरफ नॉर्थ चला जाएगा, तो नई स्थिति क्या होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पर वर्क करना है अपने को। तो होगा क्या, एक बार छोटा सा फिगर बना दूं तो आप समझ पाओगे। वहां पर ये अर्थ मैंने बनाया था, ये इसका नॉर्थ साउथ। अब हमारा मैग्नेट को 180 डिग्री से हमने घुमा दिया, तो 180 से घुमाओगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर साउथ इधर नॉर्थ आ गया, मैंने ठीक उल्टा कर दिया उसको, 180 डिग्री से घुमा दिया। तो इस कंडीशन पर इसका जो इंटेंसिटी होगा, फिर एक्सिस पोजिशन ही रहेगा, ये तो पोजिशन तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर यदि हम इसको बी डैश ले लें तो बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m/dq भी होगा, क्योंकि जब मैग्नेट को मैं जस्ट अपोजिट कर दूंगा तो पॉइंट तो क्या रहेगा, एक्सिस पर ही रहेगा। क्लियर? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। क्वेश्चन में इसके एच के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा फॉलो करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 के स्टेटमेंट से ही आगे काम करना है। फिर आगे क्या बोलता है, ये बीडेस और क्वेश्चन नंबर 13 में हमने निकाला था ना, यहां पर डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो संतुलन बिंदु की नई स्थिति क्या होगा, नया संतुलन बिंदु कहां होगा। तो बीडेस इक्वल टू, एक मिनट, इसको मैं पहले 13 क्वेश्चन नंबर पे लिख देता हूं। ये मैंने लिख दिया इस क्वेश्चन से जो मिला था हमको उसको लिख दिया। अगेन हम इसको चेंज करेंगे तो बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m और न्यू पॉइंट सपोर्ट डी डैश पर मिलता है, तो डी डैश क्यूब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 का है और 14 में न्यू पॉइंट पूछ रहा है, तो सपोज न्यू पॉइंट का पोजिशन क्या है, डी डैश है। दिस इज रिलेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? और दोनों एच के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इंटेंसिटी एच ही रहेगा, तो दोनों एच के इक्वल है, तो दोनों आपस में फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको भी लिख दूं मैं एच के इक्वल, दैट इज आल्सो इक्वल टू एच, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वो भी एच के इक्वल है, भी एच के इक्वल, मतलब बी इक्वल टू बी डैश हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π2m/dq इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4π2m/dq। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर यहाँ चलो और एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एक नोट लिखना, एक्चुअल में क्या है, ये सिलेबस में न्यूट्रल पॉइंट का जो क्वेश्चन है आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर नहीं है,
हमारे सिलेबस में न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना नहीं है एक्चुअल में। दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो सिलेबस को डायरेक्ट मैच नहीं करता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये नोट करके लिखना, जैसे ये अर्थ है और अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, इसको ध्यान देना। अब सपोज मैंने बार मैग्नेट को ऐसा रखा, ये अर्थ के नॉर्थ के तरफ नॉर्थ और अर्थ के साउथ के तरफ साउथ, तो इस कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट जो मिलता है, इस कंडीशन में जो न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ध्यान देना, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव में आता है, नॉर्थ नॉर्थ तो न्यूट्रल एक्सिस, ये 3N का यहाँ पर पेयर है। नॉर्थ के तरफ नॉर्थ हो तो न्यूट्रल पॉइंट में मिलता है, मतलब नॉर्थ के तरफ नॉर्थ हो तो न्यूट्रल पॉइंट में यहाँ पर मिलता है, मतलब क्या है, इस एक्सिस पर मिलता है, क्लियर, इस तरह से मिलता है। और यदि नॉर्थ के तरफ साउथ हो, नॉर्थ के तरफ यदि साउथ हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर मिलता है, एक्सिस में मिलता है, एक्सिस में मिलता है। नॉर्थ के तरफ साउथ हो तो वो एक्सिस में मिलता है। तो पहले कंडीशन में जो बोला है कि चुंबक के अक्ष इसके केंद्र से इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है, क्षैतिज तल में रखे छोटे चुंबक का अक्ष चुंबक की उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश है, उसका जो अक्ष है चुंबक की उत्तर दिशा के अनुदिश है। तो पहले पॉइंट में हमने जो निकाला था ये कि एच के इक्वल है, दूसरे में निकाला है निरक्षी स्थिति के लिए, तो दोनों का कंपेयर करके आंसर निकाला है। लेकिन जब मैग्नेट को हम कंप्लीट अपोजिट कर देंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ मैं, यदि हम मैग्नेट को जस्ट अपोजिट कर दें, पोल को चेंज कर दें, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल एक्सिस में मिलेगा, यहाँ मतलब निरक्षी स्थिति में मिलेगा। उस पहले वाले कंडीशन में अक्षी में मिलेगा, इसमें निरक्षी में मिलेगा। और निरक्षी स्थिति में जो मैंने अगेन लिखा है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, फिर अब यहाँ पर यह 2 नहीं होगा, क्योंकि निरक्षी स्थिति में आने के बाद m अपॉन डी क्यूब होता है, नहीं तो दोनों में d1 तो d डैश के इक्वल प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर। ये निरक्षी स्थिति, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, यदि दोनों पूरा इक्वल हो जाए तो d इक्वल टू d डैश हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। पहले वाले क्वेश्चन में न्यूट्रल पॉइंट यहाँ था अक्षीय स्थिति में, दूसरे क्वेश्चन में जब हमने उसको पकड़ के पूरा 180 डिग्री से घुमा दिया तो नॉर्थ की तरफ साउथ आ गया, साउथ की तरफ नॉर्थ आ गया, इस कंडीशन में यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और इस कंडीशन में ये निरक्षी स्थिति कहलाएगा, तो m अपान इतना होगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए यहाँ से तो क्या होगा, देखो देयरफॉर इसके कितने वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π, m m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा सीधा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 2d³, d डैश क्यूब इक्वल टू d क्यूब, देयरफॉर d डैश ही निकालना है तो d डैश का वैल्यू निकाले अपन, d डैश इधर ट्रांसफर किया मैं और इनको इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो जाएगा d डैश क्यूब d क्यूब अपन 2 अपॉन 2 है ना, अपॉन 2, दैट इंप्लाइज। अब d का वैल्यू तो अपने को पता है मेरे ख्याल से, है ना, कितना दिया हुआ है d का वैल्यू, 14 d डैश क्यूब इक्वल 14 का क्यूब अपॉन 2, देयरफॉर d डैश क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 14 अपॉन इसका क्यूब, 2 का पावर क्यूब रूट लेंगे अपन, क्यूब रूट लेने पर 2 का पावर 1/3 हो जाएगा, यह तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही करके निकालना पड़ेगा, 2 का क्यूब रूट 1/3 डिवाइड करो डायरेक्ट, वन पॉइंट टू फाइव 2 का क्यूब रूट, मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ ना, 14 डिवाइडेड बाई 1.25 11.2 आंसर दिया है बुक में, ठीक 11.1 आंसर दिया, ठीक उतना ही आएगा अप्रोक्स, 11.2
या सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन में इसमें बहुत कंफ्यूजन जैसा स्थिति है, एक बार थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सिस कंडीशन में आपको निकालना है और क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूट्रल एक्सिस, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का है एक्सिस वाला, तो हमने 2m लिया है और b डैश में हमने m लिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पहले इसमें 2m लिख दिया था तो ऐसे में d क्यूब के साथ तो इक्वल हो जाता, तो वो सेम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 times होगा क्योंकि ये निरक्षी स्थिति है और ये अक्षीय स्थिति है। ओके, ध्यान रखना। तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही है, कन्फ्यूजन बहुत है वैल्यूज पुट अप करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए उस दिन मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बताया, मेरे को मालूम है पहले वीडियो में सारा क्वेश्चन तो पूरा इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैंने 11 नंबर क्वेश्चन के बाद क्लोज कर दिया था उसको। चलो, एक छोटा छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण, यह भी 60 magnet के लिए, 60 bar magnet के लिए, जिसका चुंबकीय आघूर्ण ये दिया हुआ है, क्लियर। इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र की तीव्रता के क्षेत्र की लंब है। चुंबक के केंद्र से कितनी दूरी पर परिणामी क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र के 45 अंश का कोण बनाएगा। यदि हम अभिलंब संद्विभाजक पर देखें, अक्ष पर देखें, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी 0.42 gas है। प्रयुक्त दूरियों की तुलना में चुंबक की लंबाई की उपेक्षा की गई है, मतलब वो तो आप नहीं बोलता तो भी करते, क्योंकि 60 magnet में हम दूरी को उपेक्षित करके चलते हैं, ठीक है। पार्ट डिस्टेंस मतलब डी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन के लिए एक बार अभिलंब संद्विभाजक पर देखें और बी अक्ष पर देखें, दोनों के लिए फिगर बना दूं प्रॉपर, तो आपको फिर समझ में आएगा, ये है ना। तो सबसे पहले ए कंडीशन के लिए, ए कंडीशन में बोला है लंब संद्विभाजक इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, निरक्षी स्थिति हो जाएगा। ये सपोज हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और इसके नॉर्मल बाइसेक्टर पर वो लाइन है, ठीक है। ये नॉर्मल बाइसेक्टर लाइन है यहां पर, और उस पॉइंट पर इसके जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जीरो पॉइंट फोर टू टेस्ला और गिवन है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, अच्छा, इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यह रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं यहां पर बीई इक्वल, अब देखो इसको जूल टेस्ला में दिया तो इसको टेस्ला में चेंज करना पड़ेगा अपने को, 0.42 गास दैट इक्वल 0.42 × 10⁻⁴ टेस्ला, इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है। और उस पॉइंट पर हमको कंपोनेंट्स, तो देखो ये इसका बीई का डायरेक्शन हुआ, क्लियर, ये इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन हुआ, और ये हुआ इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन, और ये हॉरिजेंटल के साथ बनाता है 45 degree का एंगल। इस तरह हमको ये जो मैंने लाइन ड्रा किया है उसका इंटेंसिटी निकालना है, ये अर्थ का रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये हॉरिजेंटल है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये हमको निकालना है। सबसे पहले किस पोजीशन पर, जब क्वेश्चन में बोला है कि अभिलंब समद्विभाजक ये है, इस पर चुंबक पर अभिलंब समद्विभाजक, इस पर निकालना है, क्लियर। तो देखिए कौन सा पोजीशन बनता है, ये पोजीशन बनता है अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का, क्लियर। तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन डी क्यूब, ये फार्मूला यूज करेंगे इस पोजीशन के लिए। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है 45 degree, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से आपको फार्मूला पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू होता है, तो टेन यहाँ पर 45 degree है, समांतर चतुर्भुज का नियम पैरेललोग्राम लॉ, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम आपको पढ़ाते हैं, वो होता है
बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो बी साइन थीटा, तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये हमने बी इसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिया। तो बी साइन 45 अपान ए प्लस बी, मतलब बी ई प्लस बी कॉस 45 डिग्री, ये फार्मूला है, क्लियर। तो 45 डिग्री को यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल, अच्छा 45 तो ये दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का एंगल जिसको हम थीटा लेते हैं, फार्मूला में हम थीटा लेते हैं, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम थीटा के वैल्यू को डायरेक्ट 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। कैसे कर सकते हैं, देखो ये टोटल एंगल, ये दोनों के बीच का टोटल एंगल जिसको हम थीटा कहते हैं, और ये थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 45 1 आएगा, और ये हो गया बी साइन 91 होता है, तो बी अपन ये बी ई ए कास 90 0 होता है, तो बी हो गया, देयर फॉर यहाँ से प्रूफ हो गया बी ई इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अर्थ के इंटेंसिटी के इक्वल है, ठीक है। कितना आंसर दिया फर्स्ट पार्ट का, अच्छा वैल्यूस उसको पुटअप करना पड़ेगा ना, अभी डिस्टेंस पूछा है ना क्वेश्चन में, डिस्टेंस पूछा है, तो b इक्वल टू बी, आगे हम b का वैल्यू पुटअप करते हैं, फिर देखो जीरो पॉइंट फोर टू, इसको सॉल्व करें आगे, देयरफॉर b का जो वैल्यू है, स्टार्टिंग में लिखा था, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति, b का वैल्यू एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन डी क्यूब, ये हमने लिखा है, तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन डी क्यूब इक्वल b का वैल्यू, b का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.42 और टेस्ला में चेंज किए तो 10⁻⁴, दैट इक्वल हो जाएगा 10⁻⁷ m, m का वैल्यू दिया हुआ है 5.25 × 10⁻², 5.25 × 10⁻², d तो हमको फाइंड करना है, और 0.42 × 10⁻⁴, अब इसको सॉल्व करके हमको d का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, लेंदी कैलकुलेशन है बहुत, 0.42 × 10⁻⁴ वैल्यू पुटअप कर दिया, चलो सॉल्व करो, d क्यूब उधर ट्रांसफर कर दूं, तो d क्यूब इक्वल टू क्या होगा, देखो 10⁻⁷ इंटू 5.25 × 10⁻², अपॉन 0.42 × 10⁻⁴, देखिए क्या क्या सॉल्व होता है यहाँ पर, पहले 10 के पावर को सॉल्व कर लें, डी क्यूब इक्वल 5.25 × 0.42 × 10⁻⁴, −7 −2 −9, −9 में +4 जाके प्लस हो जाएगा, तो हो गया −5, क्लियर, दैट इक्वल यहीं पर लिख दूं मैं, 5.25 / 0.42, डिवाइडेड बाय 0.42, 125,
10 टू माइनस 6 का 125 इंटू 10 टू द पावर ये माइनस 6 हो जाएगा। उसको माइनस 6 बना दिया मैंने, 12.5 था, 5.25 में डिवाइड किया 0.42 का, ये 12.5 आएगा, उसको 10 टू पावर माइनस 6 कर दिया। ऐसा क्यों किया? ताकि हमको डी क्यूब का दोनों तरफ का रूट निकालते बने, तो देयर फॉर डी निकालना चाहें हम तो 125 का क्यूब रूट होता है क्या 5, ये हो जाएगा 5 और इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का क्यूब रूट करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये एक आंसर होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में ही आंसर दे देते हैं, सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 5, क्योंकि क्या करेंगे 100 अपन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में देना है तो 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टू माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बुक में 5 सेंटीमीटर दिया है, एनसीईआरटी बुक में 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। चलिए तो ये फर्स्ट आंसर हुआ, और सेकंड में अपने को क्या करना है, अब ठीक उसके लिए सॉल्व करना है अक्षीय स्थिति, उसके लिए अलग से फिगर बना रहा हूं यहां पर मैं। तभी समझ में आएगा। दूसरा कंडीशन एक्सियल पोजीशन के लिए है। अब मैं रफ स्क्रेच कर देता हूं फिगर को। ये मैग्नेट है और जहाँ पर आपको तीव्रता ज्ञात करना है वो पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अर्थ का इंटेंसिटी ये BE इधर रहेगा और इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या बोलता है 45 डिग्री का एंगल बनाया है, बी नेट है ना रिजल्टेंट, तो यहाँ पर इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल यहाँ पर भी बनाया हुआ है, दोनों में 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। दोनों कैलकुलेशन में अंतर क्या रहेगा, वो निरक्षीय स्थिति के लिए था, अक्षीय स्थिति के लिए। तो यहाँ पर चूंकि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन d क्यूब होता है, क्योंकि अक्षीय स्थिति में है, और रिजल्टेंट वैसे निकलेगा 45 डिग्री वाले फार्मूला से, क्लियर। तो फार्मूला लगा दो, 45 वाला हो जाएगा 10 45 डिग्री, सेम फार्मूला लगेगा, इक्वल टू बी साइन 90 अपॉन बीई प्लस बी कॉस 90, दैट इंप्लाइज ये 1 हो गया इक्वल टू, बस उसका कुछ अंतर नहीं, 2 टाइम्स हो जाएगा, और उस आंसर का 2 टाइम्स कर सकते हो आप सीधा उसमें। तो ये 1 हो गया बी, ये 0 हो गया बीई, देयरफॉर यहां पर भी b इक्वल टू हो गया b के, क्लियर। अब इसके वैल्यूज पुट अप कर देते हैं यहां पर भी, ये b का वैल्यू यहां पर पुट अप कर दो बस, देयरफॉर म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन d क्यूब और इक्वल be, तो be का वैल्यू हमको क्वेश्चन से पता है जो दिया हुआ है, कितना है बी का वैल्यू 0.42 इंटू 10 पावर माइनस 4, 0.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सेम कैलकुलेशन है ना, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं, तो सेम कैलकुलेशन है, बस ये 2 एक्स्ट्रा आया है इसमें, इंटू 2 इंटू कितना है 5.25 इंटू 10 टू द पावर क्या था 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू अपॉन डी क्यूब इक्वल टू 0.42। आप ये वाला कैलकुलेशन देख के परेशान मत होना, इसमें ओनली 2 एक्स्ट्रा है, बाकी काम पूरा हम कर चुके। देयरफॉर डी क्यूब इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और अपॉन में 0.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। देयरफॉर डी क्यूब इक्वल टू, अभी मैंने इसको सॉल्व किया था देखो, बस उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है आपको,
क्या क्या सॉल्व किया था, 10^-7, 10^-2, 10^-4, तो ये क्या हो जाता था, इंटू 10^9 ये -5 और इंटू इसको डिवाइड करो, इंटू 2 कर दो बस उसमें, तो वहाँ कितना आया था 125 आया था, वहाँ 125 आया था, यहाँ कितना आ जाएगा 250 पावर, इसको 6 कर दो शुरू से, 2 मल्टीप्लाई करना है बस, इतना ध्यान रखना, उसके बाद कैलकुलेशन को आपको कॉपी कर देना है 10^-6, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2 एक्स्ट्रा आया शुरू से, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर 125 आया है ना, देखो ये 125, 2 मल्टीप्लाई होके 250 हो गया, देयरफॉर अब हम डी निकालेंगे, तो 250 का क्यूब रूट और ये 6, 250 का क्यूब रूट 6.29 क्यूब रूट ना इसका, इंटू 10^-2 हो गया, दैट मीन्स 6.29 सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर, और सेंटीमीटर में लोगे तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, एक बार आंसर देख लें कितना आया है, 6.29, 6.3 दिया है आंसर में, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर से 6.3 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ये आंसर। तो एक बार इसको करना है निरक्षी स्थिति के लिए, एक बार करना है अक्षी स्थिति के लिए, आपके लिए नया फार्मूला था ये फार्मूला कहाँ से आ गया करके सोच रहे होंगे, तो ये फार्मूला है समांतर चतुर्भुज के नियम से, टेन अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि मैं क्या के फार्मूला यूज़ कर दिया, ये सब मैथमेटिकल टूल हैं जो इसको मैं वेक्टर में पढ़ाया था आपको, क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, और ये सभी न्यूमेरिकल्स आप कर लो, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसमें कैलकुलेशन पर बेस्ड थे, पार्ट पार्ट में बता दिया, पार्ट पार्ट में भी देख सकते हो वीडियो को, और मैं इसको एक बार को मिनिमाइज करके भी दिखा देता हूँ, बस ऐसा ना छोटा में ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो पूरा क्वेश्चन को देखे हो पार्ट पार्ट, नोट्स बनाओ जरूर इसका, केवल आप वीडियो देखोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ उसको वीडियो को बार बार देख के आप उसको फेयर नोट्स बनाइए। तो ये है 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये मैग्नेटिज्म का हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, लेंथी कैलकुलेशन था, मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस्ड है, लेकिन करना है, इसके बाद का मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, अल्टरनेटिंग करंट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पेंडिंग में था, अब हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स का जो वीडियो लेके आएंगे वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और हमने अब न्यूमेरिकल्स के प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, तो आप जब भी देखते हो हमारा चैनल तो प्लेलिस्ट में जाके न्यूमेरिकल्स के लिए आप अलग सर्च करिए, तो न्यूमेरिकल्स के प्लेलिस्ट क्या है, वो थ्योरिटिकल टॉपिक के साथ में मिक्सअप हो जा रहा था, तो हमने ऐसा किया है कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स 12th, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स 11th का हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, तो इसको आप अच्छे से करिए, इसको थोड़ा मेहनत करिए, ओके, थैंक यू।